स्टानो स्टार। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टैनो स्टार में। और आज हम जो है सीखने वाले हैं लिंग और वचन के प्रयोग, जो है इसको हम जानेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर होता है और इनका हम कैसे प्रयोग करें। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, पहले हम बुक से समझेंगे और उसके बाद हम अपने आप उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यह तो तुम पहले ही पढ़ चुके हो, यानी कि हम जो कि आपको मैंने पढ़ा है वो तो आप सब पढ़ चुके हैं। कहना चाहता है कि शब्द चिन्हों में लिंग का कोई लिहाज नहीं रखा गया। मान ली लिंग मतलब लड़का लड़की, इस तरह से हमें पता होता है कि स्त्री या पुरुष कौन है, तो इस तरह का कोई लिहाज नहीं रखा गया है। क्या करते हैं, मात्रा, यदि मात्राओं से हम उसको समझ लेते हैं। तो पहले इसको एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो लिहाज नहीं रखा गया है। क्रिया शब्द भी मुहावरों से ही पढ़े जाते हैं। क्रिया शब्द यानी कि क्रिया या शब्द जो है शब्द भी मुहावरों से पढ़े जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, अभी समझाता हूँ मैं। जैसे वह आता है, वह आती है। देखिए यहाँ पर वह है तो आता है हो गया और आती है, तो क्रिया जो होती है हमारी शब्द के अकॉर्डिंग पढ़ी जाती है कि वो वाक्य हमारा क्या कह रहा है, इस तरह से कुछ कहना चाहता है। अभी सब आप समझ जाएंगे। संज्ञा तथा विशेषण शब्द मात्राओं या शब्दों के हेर फेर से बन जाते हैं। संज्ञा हो या विशेषण हो तो क्या होता है, उनको क्या करते हैं, मात्राओं के हेर फेर से बना लेते हैं। जैसे कि समझेंगे, जैसे घोड़ा घोड़ी, काका काकी, नर नारी, हरा हरी, स्त्रीलिंग पुरलिंग का यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो इसलिए लिंग आदि के अनुसार शब्दों को बनाने के लिए कोई विशेष नियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो लिंग की तो कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, वचन को हम समझते हैं कि वचन क्या होते हैं, एक वचन बहुवचन होते हैं ना, तो इस तरह से हम इसको समझेंगे। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लिखा हुआ है वचन, इसको समझते हैं। लिखा हुआ है, जिस किसी शब्द का एक वचन से बहुवचन किया जाता है तो अधिकतर मात्राओं के हेर फेर से काम चल जाता है। यानी कि मान लीजिए एक वचन है घोड़ा, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक मिनट में लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर है घोड़ा, तो ये आपको दिख रहा होगा, तो घोड़ा है, घोड़ा एक वचन है, और घोड़े हम लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, घोड़े हो जाएगा हमारा बहुवचन। एक वचन से जब हम बहुवचन को बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसकी मात्राओं की हेर फेर से हम बना लेते हैं। ये बात ये कहना चाहता है। देखिए समझेंगे, लिखना है घोड़ा, बनाएंगे घै और रह, रह को काट देंगे ड़, ड़ पर आ की मात्रा और घै, घै पर ओ की मात्रा, और इसको काट देंगे हो जाएगा घै, तो घै ओ ड़या घोड़ा। अब हमें लिखना हो घोड़े, तो हम बस इस मात्रा के हेर फेर से ही घोड़े कर सकते हैं। देखेंगे घै बनाएंगे इस तरह से, बिल्कुल घै रह, घै घै पर ओ की मात्रा घो, और ड़ ड़ पर ए की मात्रा लगा देंगे तो घोड़े हमारा हो जाएगा। तो स्त्रीलिंग पुरलिंग का हिसाब थोड़ा सा अलग है, और जो हमारा इसका होता है ना मात्राओं का, तो लिंग का तो कोई है नहीं, लिंग का भी हम ऐसे कर लेते हैं, उसमें कहा है अभी लिंग का तो कोई इसमें लिहाज रखा नहीं जाता है। लेकिन वचन में यदि हमें वचन को चेंज करना होता है तो मात्राओं के हेर फेर से हम उसको कर लेते हैं। देखिए यहाँ आ की मात्रा लगाई तो घोड़ा, यहाँ एक ही मात्रा लगाई तो घोड़े, यहाँ बहुवचन हो गया और यहाँ पर एक वचन था। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अगला शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है लड़का, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ना, लिखा हुआ है लड़का, तो लड़का है तो लिखेंगे लड़ कै, लड़ को रह को काट देंगे ड़, तो कै कै आ की मात्रा लड़का। ठीक है, और लड़के लिखना है तो लड़ कै, और इसे काट देंगे रह को ड़, वो क्योंकि रह हम इस तरह से बनाते हैं, और आप चाहें तो ले रह कै इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, मर्जी है आपकी, रह किसी भी तरह से आप बना सकते हैं, लेकिन सुटेबल होना चाहिए, आप उस शब्द को समझ पाएँ, बस इतना उसमें महत्व होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ले ड़ कै और कै पर एक ही मात्रा यदि लगा देंगे तो लड़के हो जाएगा। तो देखिए मात्रा यहाँ थी और मात्रा यहाँ थी, उसने कहा मात्राओं के हेर फेर से, यानी कि उनको परिवर्तित कर दें, जहाँ पर एक आ की थी वहाँ एक कर दी, वही मात्रा तो लगाई बस एक ही, तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, एक वचन को बहुवचन बना सकते हैं। तो कोई ज़्यादा बड़ी बात ये थी नहीं, चलिए ऊपर और समझते हैं और क्या कहना चाहता है, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं हम इसको। लिखा हुआ है वहाँ पर जहाँ मात्राओं का हेर फेर नहीं रहता वहाँ बहुवचन ये ओ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना ये तीन चीज़ लिखी हुई है, ये ओ या आदि लगाकर बनाते हैं। उस दशा में शब्द के अंत में संकेत पास ही एक बिंदु रख दिया जाता है, यानी कि संकेत अंत के अंत में जो वो शब्द होता है उसके संकेत रख दिया जाता है। मैं समझाता हूँ आपको, तो नीचे का लेता हूँ, देखेंगे ये कहना क्या चाहता है, कहना ये चाहता है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है लड़की और लड़कियाँ, तो देखिए अगर हम किसी वजह से बहुवचन बनाने में थोड़ा सा मात्राओं के हेर फेर से उसको बहुवचन नहीं बना पाते हैं तो क्या करेंगे उस कंडीशन में हम, जैसे कि लिखना है लड़की, ठीक है लड़की, तो यहाँ पर देखेंगे लड़की और यहाँ पर लिख देंगे हम लड़कियाँ, यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं, एक मिनट, आपको दिख भी रहा होगा लड़कियाँ। ठीक है दोस्तों, ये आपको दिख भी रहा होगा, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है लड़की, तो लै बनाएंगे लड़ बनाएंगे और कै, तो लड़ कै लड़की हो गया है ना। यदि हमें इसे लड़कियाँ करना है और मात्राओं के हेर फेर से नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर यहाँ की मात्रा कहाँ लगाएंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं उस कंडीशन में, यदि यहाँ आता है ए आता है पीछे ओ आता है पीछे, तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं,
उस जो ये लड़की हमने लिखा था ठीक है, उसमें उसके अंत में जो उसके सबसे लास्ट में अंत में जो शब्द होगा, तो यहाँ पर सबसे लास्ट में अंत में क्या है, ये है हमारा क्या है, कै। तो कै के सबसे लास्ट में हम पीछे इस तरह से बिल्कुल एक बिंदु लगा देते हैं, जैसे कि आपको मैंने लगा कर दिखाया ना ये अभी पीछे, तो इस तरह से कोई बिंदु जब हम लगा देंगे तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा ये दो बिंदु लगे हुए हैं, एक तो की ई की मात्रा है और एक बिंदु। तो ये जो इस तरह से कोई लास्ट में बिंदु लगता है पीछे, मैंने कई बार भी बताया है आपको, तो ये हमारा या ए ओ में आ जाता है, तो ये हमारा इसे प्लूरल कर देगा, तो ये हमारा लड़कियों, इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से लड़की और पीछे बिंदु, तो ये हमारा यू की आवाज़ निकाल देगा, ये हमें बहुवचन उस शब्द को बना देगा, यही बात ये कहना चाहता था। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राजा राजाओं लिखा हुआ है यहाँ, तो देखते हैं यहाँ पर राजा और राजाओं लिखा हुआ है। ठीक है तो राजा देखे रा और ज, रा पा की मात्रा रा और ज पा की मात्रा राजा, और राजाओं यदि हमें लिखना हो तो रा ज और रा पा की मात्रा रा और ज पा की मात्रा राजा, और ओ की मात्रा हमने अभी क्या पढ़ी, ये और ये ही है। तो इसको जो हम पढ़ते हैं लास्ट में यदि आती हैं, तो सबसे लास्ट का जो व्यंजन होता है ये सबसे लास्ट का व्यंजन इस टाइम ये है जय, जय के एक सबसे लास्ट में यहाँ पर इसके ठीक इसकी रेखा के ठीक सामने ही हम एक बिंदु इस तरह से यदि लगा देते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, तो ये हमारा ये पढ़ा जाता है, यानी कि ये बहुवचन कर देता है उस शब्द को, तो राजा ओ पढ़ा जाएगा। ठीक है इस तरह से हम इसे कर लेते हैं। देखिए माला है तो माला लिखेंगे म ल, म पा की मात्रा माँ, ओ ल पा की मात्रा माला, मालाएँ करना है तो बस इसी के पीछे एक बिंदा लगा दीजिए आप, तो मालाएँ हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ना, तो इस तरह से भी हम इसको कर लेते हैं, आपकी बात समझ में आ रहा है ना। चलिए और आगे पढ़ते हैं, आगे समझते हैं, देखेंगे यहाँ पर थोड़ा छोटा मैं कर लेता हूँ इसको। यहाँ पर लिखा हुआ है स्वतंत्र रूप से भी यदि शब्द के अंत में या इंग, यहाँ पर समझेंगे दोस्तों, या इंग आए, आवे लिखा हुआ है, आए इसको पढ़ेंगे आए, तो इसी तरह एक बिंदु रख दिया जाता है। देखिए कहना क्या चाहता है, अब हमें यदि स्त्रीलिंग सॉरी एक वचन से बहुवचन बनाना है, तो पता है कि हम किसी भी शब्द के पीछे यदि इस तरह से कोई बिंदु रख देंगे तो वो हमें प्लूरल बना देगा, लेकिन स्वतंत्र रूप से भी, यानी कि यदि वह प्लूरल नहीं है शब्द, यानी कि बहुवचन वह शब्द नहीं है, और फिर भी उस शब्द के पीछे कोई या आ जाए, ठीक है, या कोई इंग आ जाए, ये दो शब्द यदि उस शब्द के पीछे आते हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या करना होता है, उस कंडीशन में भी हमें किसी भी शब्द के पीछे इस तरह से बिंदु रख लेना होता है, ये बात ये कहना चाहता है, ये बात समझ गए ना दोस्तों आप। चलिए इसको थोड़ा एग्जांपल से अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है काइयाँ, ठीक है ऊपर भी है ये, ठीक है इसे नीचे कर देता हूँ मैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ पर लिखे हुए हैं इसके, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है काइयाँ, तो काइयाँ को कैसे देखें, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर या आया है ना लास्ट में, तो इसने क्या कहा है, या इंग आए, तो क्या करते हैं बिंदा लगा लेते हैं पीछे, तो देखिए कै बनाएंगे, कै कै पा की मात्रा का ई, और ई की मात्रा यहाँ ना लगाकर या पूरा बोल रहा है ना, तो यहाँ हम पीछे बिंदु लगा सकते हैं, और यदि आपको समझने में दिक्कत है तो का यहाँ पर डंडा लगा रखा है, का ई यहाँ इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है तो आप किसी भी तरह से इसको कर सकते हैं, बस आपकी समझ में आना चाहिए, आप उस शब्द को उठा पाएँ, यही आपके लिए बेटर होना चाहिए। ठीक है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वर्किंग, तो देखेंगे वर्किंग, ठीक है तो इसने क्या कहा था, एक मिनट दोस्तों मैं बन गया, वर्किंग इसने कहा था या आ जाए या इंग आ जाए, अब देखिए इसको यदि किंग को बोलेंगे तो इंग की आवाज़ आ रही है ना, तो इंग भी आता है, तो ये प्लूरल की गिनती में आता है, ये स्वतंत्र शब्द हैं, इनमें ऐटोमेटिक आ रहा है, इन्हें बनाने की ज़रूरत नहीं है हमें कि इनको हमें जो है प्लूरल बनाना है, ये ऐटोमेटिक हैं, ओ ऑटोमेटिक हैं, ओ यह और यह आ रहा है और इंग आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, किसी भी जो उसका सबसे लास्ट का शब्द होगा व्यंजन होगा उसमें हम उसके लास्ट में सबसे पीछे एक बिंदु रख देते हैं। ठीक है यही बात ये कहना चाहता था, तो देखेंगे बनाएंगे वह और रे इसमें जोड़ देंगे दोस्तों, ठीक है वर और कै बनाएंगे, कै इंग, अब देखें इंग के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर समझेंगे, तो वर इंग के लिए हम यहाँ पर सबसे लास्ट में इस तरह से मात्रा लगा देंगे, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ना, यह दिख रहा होगा आपको ये, तो इस तरह से हमें कोई मात्रा लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हमें पता है या इंग आए तो हम एक छोटा सा बिंदु इस तरह से लगा देते हैं सबसे लास्ट वाले व्यंजन के ठीक सामने। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, लिंग और वचन ये छोटा सा टॉपिक था आज जो है समाप्त हो चुका है। तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी ऐसी मैं आशा करता हूँ, और वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना साथियों। जय हिंद, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए साथियों।